होगा ही, बीजेपी बिना प्लान के क्या करेगी, ये उनका प्लान है। और मुझे लगता है कि लोग इस प्लान को अच्छी तरह से अब समझ गए हैं, और ये लोग जो बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी के कितने बयानों का मैं जवाब, उनको अब वो इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, किसी और सीट पे तो उनका उम्मीदवार है नहीं। अब जो फ्रस्ट्रेशन की उनको बीमारी हो चुकी है, उनको अब दिल्ली जाके, क्योंकि वो रहते दिल्ली में ही हैं, उनको दिल्ली जाके इस फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज ढूंढना चाहिए। या आज़ाद साहब ने खुद नहीं, आज़ाद साहब की पार्टी ने उनका नाम अनाउंस किया था, अब क्या मजबूरी बनी कि पार्टी के तरफ से ऐलान हुआ लेकिन वो पीछे रह गए। अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, ये उनको खुद तय करना होगा। एंड व्हाट अबाउट नॉर्थ कश्मीर सर, सजाद लोन वेरी स्ट्रांग कंटेंडर? हर कोई अपने जगह में स्ट्रांग कंटेंडर होता है, राइट? वोट आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं ना कितने स्ट्रांग कंटेंडर रहते हैं। तो वो भी कह रहे हैं तो अभी शुरू हुआ, आप ये देखिए ना, मैं गया हूँ उधमपुर सीट की आखिरी चार दिनों में, इससे पहले तो मैं भी नहीं गया था। मियां साहब ने तो अभी अपने कागज भी नहीं भरे हैं, कल मियां साहब कागज भरेंगे, उसमें कांग्रेस के हमारे जो सीनियर साथी हैं वो मौजूद होंगे, आगे जाके उनसे मशवरा करके मिलके हम कुछ जल्द से उनके साथ करेंगे। आप बेफिक्र रहिए ना, इलेक्शन का कैंपेन तो अब शुरू हो रहा है, एंड में अगर वो आपको नहीं दिखे फिर आके मुझसे पूछिएगा। माहौल बड़ा अच्छा है, जिस तरह का रिस्पांस मैंने खुद पूरी चिनाब वैली में देखा, और इसके अलावा जो कांग्रेस के प्रोग्राम हुए हैं कठुआ में और उधमपुर में, मुझे तो लगता है कि बीजेपी के लिए ये सीट रिटेन करना काफ़ी मुश्किल है। और आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कांग्रेस ने एक नहीं दो नहीं तीन अपने मेन कैंपेनर जो हैं उधमपुर की सीट पे भेजे, वजीर आजम साहब खुद आए, यूपी के वजीर आला आए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए, और यहाँ तक के अनुराग ठाकुर भी एक दो दिन वहाँ लगातार दौरा करते रहे। तो इतने स्टार कैंपेनर वहाँ भेजना, उसी से आपको पता चल जाता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब शायद थोड़े खतरे में है वहाँ पे, बातों पर टिप्पणी करनी है। बीजेपी कह रही है कि हमें जम्मू कश्मीर इलेक्शन नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने हैं। बीजेपी कह रही है कि हमें जम्मू कश्मीर, आप जवाब, लोगों के दिल नहीं जीत पाए तभी तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे ना, इसलिए वो मैदान में उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। अब हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में उनको उम्मीदवार मिलेगा नहीं, और इसलिए उन्होंने उम्मीदवार उतारा नहीं। सबसे बेहतरीन उम्मीदवार अगर आप देखें उधमपुर रजौरी पुंछ की सीट के लिए मियां अल्ताफ साहब हैं, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यहाँ के वोटर जानते हैं। एक वाहिद उम्मीदवार हैं जो पहाड़ के दोनों तरफ, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि अनंतनाग सीट के साथ रजौरी पुंछ का भी इलाका जोड़ दिया गया है, हमारे मियां अल्ताफ साहब एक वाहिद उम्मीदवार हैं जो पहाड़ के दोनों तरफ लोगों की नुमाइंदगी जो है सही तरीके से कर पाएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 7 तारीख को जब वोट डालने का दिन होगा लोग भी इस चीज़ को कबूल करेंगे। सर, शायद इशारतन ये कहा है कि कश्मीर में वो अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे, शायद अगर मैं सही हूं तो जम्मू के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है कश्मीर में कमल फैलाने में। हालांकि 2019 में तमाम सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो उस वक्त तो कमल को यहाँ पे फुलाने की कोशिश की गई, वो नाकामयाब रहे। इस बार बीजेपी मैदान में नहीं उतर रही है क्योंकि बीजेपी दूसरों के साथ जो है मिलके इलेक्शन लड़ रही है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि हम खुल्लम खुल्ला जो है इंडिया अलायंस के साथ मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले जो हैं थोड़ा सा इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। पिछले दिनों जो तरुण चुग साहब श्रीनगर आए और श्रीनगर में अल्ताफ़ बुखारी साहब के घर गए, वहाँ सजाद लोन को भी बुलाया गया, उससे सीधा पता चल जाता है कि
बीजेपी के अपने उम्मीदवार ना सही, लेकिन कमल के फूल के तरफ से अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे।